ज्योतिपुंज परम वंदनीय इस महावीर जयंती के मुख्य कर्णधार प्रभु महावीर को पत्र विराजित सभी साधु वृंद विशेषकर परम पूज्य मंद्र मुनि जी महाराज, आचार्य विधायक पद्म सागर जी महाराज और यहाँ विराजित सभी साध्वी श्री जी संत मुनिगण और सभी महानुभाव जो जिन शासन की सेवा के लिए निरंतर गतिशील और विशेषकर जिनके आशीर्वाद और जिनके पावन मार्गदर्शन में हम साधना रत हैं, ऐसे युग प्रधान गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रवण जी के चरणों में सभी ने वंदन। यहाँ उपस्थित सकल धर्म संघ जिन शासन आज तीर्थों की रक्षा एक महत्वपूर्ण विषय बना, जिसमें हमने देखा जिन शासन की एकता संभवतया आज तक जिन शासन की किसी प्रकार की रैली नहीं देखी गई, और ये एक ऐसी स्थिति आई जिन एकता का प्रस्तुतिकरण भी हुआ। कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जिन एकता के दिशा में ये कार्य एक महत्वपूर्ण बना। पर मैं आपको आज ये पूछना चाहता हूँ, और तीर्थ है वो कौन सी तीर्थ है जिनके लिए हम प्रभु महावीर को तीर्थंकर कहते हैं? कोई बता सकता है वो तीर्थ कौन से हैं? ये तीर्थ है साधु और साध्वी, श्रावक और श्राविका। ये जो चार तीर्थ हैं, इनकी रक्षा के लिए ये जितने आप यहाँ पर मंचासीन संत देख रहे हैं, गुरु भगवंत देख रहे हैं, और जितने यहाँ पर श्रावक यहाँ बैठे हैं, उनका मौलिक कर्तव्य दायित्व और जो उनका अरमान है, जिनके लिए संत मैं पूछ रहा था नम्र मुनि महाराज, उन्हें गिरनार जाना, इतनी लंबी यात्रा है, मैंने भीषण गर्मी में आप पद यात्रा करेंगे और कल इन्हें घाटों पर जाना है, और किस किस प्रकार से उनका एक दीर्घ विहार का प्रोग्राम है, फिर भी आज ये भारत जैन महामंडल के इस उपक्रम के लिए विहार कर दक्षिण मुंबई पधारे। चाहे वैसे ही आचार्य नए पद्म सागर जी हैं, और वैसे ही सभी व्यस्त व्यक्तित्व भी आज यहाँ पहुंचे, आखिर क्यों? क्योंकि ये तीर्थ के लिए ये चतुर्विध धर्म संघ किस प्रकार एकता के साथ, यूनिकनेस के साथ, यूनिवर्सल धर्म के रूप में आए। हमें जैन धर्म की प्रस्तुति केवल तपस्या के रूप में नहीं, केवल धर्म प्रभावना के उपक्रम से नहीं, हमें इसे जैन धर्म को जन धर्म के रूप में प्रस्तुत करना होगा। जब तक हम उसे यूनिवर्सल धर्म के रूप में प्रस्तुत नहीं करेंगे तो हमारी संख्या बहुत छोटी रह जाएगी। जैसा अभी हमारे मंगल प्रभात जी लोढ़ा कह रहे थे कि हमारी संख्या बहुत कम है, मगर ये ध्यान देना है हमारे कॉन्सेप्ट में बहुत दम है, और ये विश्व की समस्याओं को कर सकता ओवरकम है, और इसलिए जन जन आज जैन धर्म को, जैन प्रिंसिपल्स को करता वेलकम है। बंधुओं, संतों की संख्या साध्वियों की संख्या की एक सीमा है, वो एक क्षेत्र तक जा सकते हैं, उनकी पदयात्रा की सीमाएं हैं, मगर जो चतुर्विध धर्म संघ की एक बड़ी भूमिका है श्रावक और श्राविका, जिनकी नयनों में देख रहा हूं एक ज्योति है, एक लगन है, एक ललक है जिन शासन की सेवा। मैं ये चाहता हूं कि संतों के माध्यम से, वक्ताओं के माध्यम से ऐसे सघन प्रशिक्षण के क्रम चले कि कोई भी जैन श्रावक हो वह जैन वक्ता हो, और वो यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म पर, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अपने नेटवर्क के माध्यम से नेटवर्क वाले इन जैन प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिस में ला सके, उन्हें प्रेजेंट कर सके, और कोई भी मंच हो वहां पे वो प्रस्तुति में कौशल उसमें आए। और जैसा बताया 125 वर्ष भारत जैन महामंडल को होने जा रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ हमारे माननीय श्री श्री डांगी जी, जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं
और इनकी विनम्रता भी मैंने देखी, तो मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि भारत जैन महामंडल एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करे, ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार करे, केवल वो एक या दो प्रोग्राम ना करके प्रोग्रामिंग पर ध्यान दे। प्रोग्राम है वो आए और गए सब समाप्त, पर प्रोग्रामिंग है जो हमारे सबकॉन्शियस तक चली जाए, हमारे अवचेतन के संस्कार में आ जाए। ऐसा शिक्षण, ऐसा प्रशिक्षण, ट्रेनिंग का एक सघन कार्यक्रम चले जिसके माध्यम से हम 125 वर्ष इस संगठन के वर्ष के साथ इस संगठन की शक्ति को साहस के साथ, चाहे वो यूएन हो, चाहे यूनेस्को हो, चाहे ग्लोबल समिट हो, चाहे G20 हो, कोई भी मंच हो, एक जैन व्यक्ति अपने जैनिज्म को प्रेजेंट कर सके और यहाँ तक वो लेके जाए कि जन जन उससे जुड़ता चले। मैं अपना एक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ कि क्यों जैन धर्म जन धर्म है। कल की ही बात, परसों की, रविवार की बात, हम लोग बिहार करके 7 रास्ता महालक्ष्मी में एक बिल्डिंग में रुके, गोदरेज बिल्डिंग में, और वहाँ पर जब हम जा रहे थे तो एक महानुभाव हमारे साथ थे, वो जैन नहीं है, पर उन्होंने कहा कि आप एक संत हैं और 25वें माले तक चढ़ रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं रास्ते में जितने हमारे भाई हैं उन्हें भी आप आशीर्वाद। किसी व्यक्ति ने कहा कि ये तो जैन नहीं है, मैंने कहा जैन नहीं है पर जैन तो है, और ये जैन धर्म तो जैन धर्म है। हम कोई धर्म का प्रचार करने नहीं, जीवन की बुनियाद को मजबूत करने की बात एक संत करते हैं। और उस व्यक्ति ने भावना की और वो अनेक घरों में गए, कुछ घर उनके परिचित थे, बड़े अजैन थे, पर एक दो घर ऐसे भी थे जो इतने बड़े डॉक्टर कोकिलागंज में बहुत अच्छे लेवल पर, और वहाँ पर भी गए और वो बड़े के पधारिए। संतों का आना तो बड़ी बात होती है, और हमने देखा कोकिलागंज में इलाज के लिए सारे छात्री आते हैं, और उनके व्यवहार से हमने सीखा कि वो ऑपरेशन के बाद पैदल चल के जाते हैं। इतनी संतता उनके लिए प्रेरणा थी। और उस व्यक्ति को मैंने कहा कि हमारे गुरुदेव बता रहे हैं, वो बोले सारे प्रोग्राम्स मेरी तरफ, मैं ऑडिटोरियम फ्री में आपके लिए बुक करूँगा, आप कहिए उन्हें मैं बुला लेता हूँ, आप कहिए वहाँ पे हम कैंप करेंगे, फ्री में कैंप्स रखेंगे, और जो आप मुझे काम देंगे उन सबको निष्पादित करेंगे। मैंने 4-5 आइडिया कहे, उसने 3 मिनट का भी समय नहीं लिया और सारी की जिम्मेदारी उसने ले ली, और वो अजैन था। कौन कहता है कि जिन शासन बहुत छोटा, जिन शासन जितना व्यापक रूप किसी का नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि हम ये रिचुअल से ऊपर उठे। कब तक आप एक ऐसे स्थान पर 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे जिस स्थान की सीमा और टैग केवल जैन धर्म तक सीमित है। हम ऐसे व्यापक कार्यक्रमों पर चिंतन करें जो आज मानव समाज की जरूरत है, जो भगवान महावीर हमें दे गए हैं। आपको ये पता हो भगवान महावीर ने जैन धर्म नाम नहीं दिया, भगवान महावीर ने अपनी वाणी लोक कल्याण के दिशा में, लोक चेतना के विकास के लिए प्रस्तुत की, उन्होंने कहीं भी उसे धर्म का नाम नहीं दिया। आज एक भी शास्त्र ऐसा नहीं है जहां ये लिखा हो कि भगवान महावीर ने या पूर्व तीर्थंकरों से जैन धर्म नाम दिया। ये जैन धर्म नाम भगवान महावीर के निर्वाण के कई वर्षों बाद प्रस्तावित हुआ और एक नामकरण हुआ कि जिन भगवान को मानने वाले जैन, क्योंकि शिव को मानने वाले यदि शैव हैं, विष्णु को मानने वाले वैष्णव हैं, ब्रह्मा को मानने वाले ब्राह्मण हैं, तो कृष्ण को मानने वाले अगर क्रिश्चियन है, तो जैन जिन भगवान को मानने वाले जैन कहलाते। वास्तव में जैन शब्द के पीछे जिन शब्द हैं उसके रूट पर जाए तो कितना सुंदर ये मीनिंग देता है। कहीं भी वो धर्म या संप्रदाय की बात नहीं कहता है। जिनका रूट है जी, यानी जीतना, जो जय का मार्ग, विजय का मार्ग, आत्म विजय का मार्ग देता है, आत्म विजेता बनने की प्रेरणा देता है, वह जैन है। आप, मैं जानना चाहता हूं आज तक एक भी मानव ऐसा आप जानते हैं जो हारना चाहता है? कोई भी एक भी ऐसा मानव है जो जीतना नहीं चाहता है? तो कौन कहता है जैन की सीमा है? जैन हर व्यक्ति में है, हर व्यक्ति हर जन के अंदर आप ये फीलिंग पहुंचा सकते हैं कि तुम भी जैन हो, क्योंकि तुम भी आत्म विजय चाहते हो। एक जीत का मार्ग दूसरों को हराने से है। आज स्कूल में कंपटीशन होती है, माँ पूछती है बच्चों से रिजल्ट आ गया,
टॉप किसने किया, कौन टॉपर, बाकी सब ड्रॉपर। टॉपर को ही प्रॉपर माना जाता है, पर वास्तविक बंधु जैन धर्म ये नहीं कहता है कि तुम फर्स्ट आओ या सेकंड आओ। जैन धर्म कॉम्पिटिशन नहीं, हमें कोऑपरेशन सिखाता है, हमें को एग्जिस्टेंस सिखाता है, हमें कॉम्पिटिटिव पावर वाला बनाना चाहता है। और वो कहता है दूसरों को हरा के नहीं जीतना है, हमें साथ मिलकर जीतना है। अगर ये देखें हम जीतो का रूप देखें, जियो का स्वरूप देखें, इन सारे माध्यम भारत जैन महामंडल है, महावीर इंटरनेशनल है, ये जितनी भी संस्थाएं जैनत्व की दिशा में चली, उसका लक्ष्य था कि हम सब मिलकर जैन धर्म के सभी अनुयायी एटलीस्ट एक संगठित रूप में, सशक्त रूप में अपनी बात रखें, तो उसका एक प्रभाव, एक प्रबुद्ध होगा, एक विश्वस्त होगा और व्यापक होगा। मैं चाहता हूं, हो सकता है हमारी संप्रदाय की व्यवस्थाएं अलग हो, मुखवस्त्रिका की दिशाएं अलग हो, हमारे पहनने के तरीके अलग हो, मगर हम सब एक हैं। और इसका स्वरूप मैं सामने देख रहा हूँ, ये देख रहा हूँ कि विभिन्न संप्रदाय से ये जुड़े हुए हैं, पर यहाँ बैठे एक संप्रदाय के रूप में नहीं, ये जिन शासन की सेवा के लिए। आज सीसी डांगी जी ने ये नहीं सोचा कि मैं स्थानक वासी हूँ, ये केवल देख रहे अपने अंदर उस जैनत्व, और इस जैनत्व को लेकर हम आगे चलते। तो मेरा एक प्रस्ताव, एक विचार है, जो यहाँ पर पूजनीय मुनिश्री यहाँ विराजे हैं, आचार्य भगवंत विराजे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ भारत जैन महामंडल एक परिकल्पना पर वर्क करे। मैं एक निवेदन प्रस्ताव देना चाहता हूँ और आप सब उसको गाइड करें, तो वास्तव में ये कार्य हो सकता है कि जैसे आज महावीर जयंती की बैंक हॉलीडे, स्कूल हॉलीडे मनाई जा रही है, क्या संवत्सरी की वैसी हॉलीडे होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अब संवत्सरी की हॉलीडे में दो ही बातें हैं कि चतुर्थी को मनाए, पंचमी को मनाए या अनंत चतुर्दशी को मनाए। तो इसमें एक कॉमन पॉइंट आपको पता हो, प्रभु महावीर ने केवल एक दिन रखा था, 8 या 10 दिन नहीं। हम इतिहास में जाए तो प्रभु महावीर ने एक दिन मनाया था, एक दिन फुल स्पिरिचुअल डे। संवत्सरी को हम एक ओपन भाषा में देखें तो एक स्पिरिचुअल डे के रूप में, अध्यात्म का एक दिन ऐसा हो जो व्यक्ति आत्मलीन बन जाए, उसकी पूर्व तैयारी के रूप में एक सप्ताह का संयोजन आचार्यों ने किया, जिसको हम अष्टांगिक पर्युषण पर्व या उस दिन से स्टार्ट होकर दशलक्षण पर्व, पर ये कॉमन डे था पंचमी का दिन। तो जो पांचम का दिन है, उस दिन भगवान महावीर ने संवत्सरी की संयोजना की। आगे जाकर कालकाचार्य द्वितीय, जो जिन शासन के प्रभावशाली आचार्य थे, उनके सामने परिस्थिति आई कि राजा भी जैन धर्म को अपना धर्म मानता है, पर उसका जो ट्रेडिशनल धर्म है वो पंचमी को इंद्र महोत्सव है उसका। उसने बोला मुझे भी इसमें शरीक होना है, तो उन्होंने कहा कि पंचमी से अतिक्रमण नहीं हो सकता है, हम चतुर्थी को मना सकते हैं। और तब पहली बार चतुर्थी को संवत्सरी मनाई गई, और तब से एक डिफरेंस चलता है, कोई चतुर्थी को, कोई पंचमी को, कोई चेंजिंग, कुछ तिथियों को लेकर अलग अलग गणित पर गणनाएं हैं। पर ये कहना चाहता हूँ चतुर्थी का दिन हमें गणेश चतुर्थी के रूप में हॉलीडे मिली हुई, तो क्यों ना हम संवत्सरी एक हो, ये बहुत आगे की बात है, उतना आगे हम न भी जाए तो कम से कम संगठित रूप में भारत जैन महामंडल ये लीड लेकर गवर्नमेंट के सामने एक प्रस्तुति दे कि हम पंचमी के दिन एक स्पिरिचुअल डे मनाना चाहते हैं। तो जो चतुर्थी की हॉलीडे में मान लो संवत्सरी मना रहे, उनको पारने के दिन ज्यादा रहे, सबसे मिलकर ग्रीट और समाज याचना का पर्व मना सकेंगे, एक दूसरे से भेंट वार्ता का समय रहेगा। और जो पंचमी के दिन संवत्सरी मना रहे, उनको एक पावन पर्व को मनाने के लिए एक अच्छा माहौल मिलेगा। साथ में जो दिगंबर है, उनका स्टार्टिंग पंचमी से है, वो फिक्स है, तो उनके लिए भी एक ओपनिंग डे, एक हाई स्पिरिचुअल डे बन जाए। तो हम व्यवहार की इन चीज़ों को, जो ट्रेडिशनल अलग अलग प्रिंसिपल्स या पॉइंट्स हैं, उनमें हम एकता ला पाए न ला पाए आगे की बात है, पर कम से कम एक जैन स्पिरिचुअल डे का एक प्रायोजन किया जाए, तो वास्तव में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस 125 वर्ष मनाने की भारत जैन महामंडल की आयोजना का एक अच्छा एक ओपनिंग हो सकता है। इसी दिशा में मैं एक और बात कहना चाहता हूँ,
कि ये हमारे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो दुनिया के लिए व्यवहार के लिए बहुत कुछ कर रही है, पर ये जो नई पीढ़ी है उसमें संस्कारों के सिंचन के लिए क्या कोई प्रोग्रामिंग की जा रही है? आज हम अहिंसा रन कर रहे हैं, आज हम विभिन्न आयोजन कर रहे हैं, बिजनेस के फेस्ट कर रहे हैं, व्यापारिक संगठन की मजबूती के लिए, IAS की तैयारी के लिए जो कर रहे हैं वो वास्तव में समाज के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण, पर साथ में युवा पीढ़ी के संस्कार निर्माण की दिशा में भी कुछ ऐसे कार्यक्रमों की संयोजना हो जिसमें RRR फॉर्मूला, RRR का मतलब है कि रिलेटेबल, रेलिवेंट और विथ रीजनिंग, रिलेटेबल, रेलिवेंट और रीजनिंग के साथ हम युवा पीढ़ी के लिए ऐसे कुछ सेमिनार्स की आयोजना हो, विशेषकर हमारे नम्र मुनि जी महाराज साहब जो अपने आप मैजिक टच देते हैं और कितने युवा पीढ़ी के लोगों को आपने जोड़ा है, हमारे नम्र नई पद्म सागर जी आचार्य महाराज जिन्होंने जैन एकता की दृष्टि से कितना व्यापक, इसमें रिलेटेबल, रेलिवेंट और रीजनिंग के साथ जैन धर्म को प्रस्तुति हो और विभिन्न ट्रेडिशन के साधु साधवियों की एकता और एक रूपता के साथ उस बात की प्रस्तुति हो कि जैन युवा पीढ़ी के संस्कार निर्माण में भी एक महत्वपूर्ण कार्य हो सके। आज एक कवित्व के साथ अपनी बात को संपन्नता की ओर लेना चाहता हूँ और इसका जो विचार है उसमें बड़ी गहराई है और इसका जो सस्पेंस है उसका आंसर आप में से किसी से पूछा जा सकता है। महावीर की दिव्य देशना से उद्भुत हुआ जो ज्ञान परखा गया प्रयोग धरातल पर था वह सच्चा ज्ञान, 11 ग्रंथर संपादित वह बन गया है पावन सदग्रंथ, लाखों लाखों चलते जिस पर हे प्रभु यह तेरा पंथ। यह यूनिक है, यह यूनिक है सबसे हटकर, इसलिए सम्मानित है, करता है यूनिफाइड सबको, इसको पाकर सब हर्षित है यूनिवर्सल इसकी महिमा, है यूनिवर्सल इसकी महिमा, बता रहे हैं सारे संत, आलंबन है भव्य जनों का, हे प्रभु यह तेरा पंथ। यह अहिंसा की नीति, यह अहिंसा की नीति हमेशा समाधान सबको देती, अपरिग्रह की मनोदशा कर सबका दुख हर लेती, अनेकांत से खुल जाते हैं रास्ते, जो हो है गए सभी समस्याओं का मोचक है, ही प्रभु यह तेरा पंथ। अब ये मत सोचिए कि मैं तेरा पंथ धर्म संघ के बारे में कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ प्रभु महावीर, ही प्रभु यह तेरा पंथ। वास्तव में तुम्हारा ये पंथ है जो अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह के माध्यम से यूनिक, यूनिवर्सल और यूनिटी हमारे अंदर लाता है। इस दिशा में हम सभी संत एक सक्रियता के साथ जुड़े और सभी श्रावक श्राविका की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका हो तो वास्तव में हम वह कीर्तिमान अर्जित कर सकते हैं और वास्तव में समस्याओं को समाधान की दिशा में ले जा सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ अपनी वाणी को यही विराम देने से पूर्व एक छोटी सी सूचना आपको दे रहा हूं। युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रवण जी जो 13वें धर्म संघ के 11वें अनुशासता और एकमात्र नायक हैं, वे चतुर्मास की दृष्टि से करीब 69 ईयर्स के बाद 13वें धर्म संघ के आचार्य मुंबई की धरा पर चातुर्मास हेतु पधारे और प्रकृति ने भी ऐसा स्वागत किया कि चतुर्मास 4 नहीं 5 महीने का हो और 2021 में पहले करने की चिंतन था वो अच्छा हुआ क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है वरना वो कोरोना के नाम चला जाता, लेकिन 2023 का ये चतुर्मास और 9 महीने का प्रवास, इसलिए मैं चाहता हूँ आचार्य नए पद्म सागर जी महाराज, नम्र मुनि जी महाराज और सभी यहाँ पर जुड़े हुए सभी महानुभाव एक सूत्र के साथ ऐसे कुछ आयोजना पर हम चिंतन करें कि उनका ये पावन चतुर्मास जिन शासन की प्रभावना की दृष्टि से और जिन एकता की दृष्टि से विभिन्न कीर्तिमान अर्जित करने वाला बने, तो मैं चाहता हूँ सभी लोग इस दृष्टि से जुड़े, विशेषकर हमारे मदन जी तातेड़ यहाँ पर हैं,
वहाँ के दर्शन कर रहे हैं, आगे ऊपर एक बार दर्शन कर सकते हो आप एक बार। तो ये चतुर्मास व्यवस्था समिति के अध्यक्ष हैं, मुंबई तेरापन समाज के तो अध्यक्ष हैं ही, और इनकी एक मनोभावना है, ये पिछले एक डेढ़ साल से लगभग इनको ये लग रहा है कि मेरे घर में शादी है, मेरे घर का ही फंक्शन है, और ये पूरी तरह इसमें लगे हुए। और आज ये आप सबका भी एक स्वागत और अनुमोदन अभिनंदन कर रहे हैं कि एक दो लाइन के माध्यम से, केवल दो पंक्ति में आप सबका एक मदन दो शब्द आपके इन्हीं बात के साथ ओम परमधाम। महावीर प्रभु के चरणों में मेरी अभिवंदना। अत्र विराजित आचार्य श्री